20 सितंबर का वह दिन जब कोरोना की लेकर टेस्टिंग के भारत देश में की जा रही थी, उस टेस्टिंग के दौरान दो प्रकार की चीजें सामने आई। एक थी रैपिड एंटीजन टेस्ट और एक था आरटीपीसीआर टेस्ट। आपको बता दें कि जब आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए जब कोरोना की टेस्टिंग की जा रही थी तो उसमें संक्रमण की संख्या कहीं ना कहीं 4% नजर आ रही थी। जैसे ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तो संख्या बहुत ज्यादा सामने आने लगी। उसी को लेकर कल हमारी आवाज न्यूज 24 की टीम पहुंची आरयूएचएस के कोरोना सेंटर में, जहां आरयूएचएस के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर शेखावत से बातचीत की और जाना पूरा हाल दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ऋषि संदीप और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। जुड़ चुके आपके साथ एक करंट अफेयर्स को लेकर, करंट अपडेट को लेकर। और करंट अपडेट में आपको बताना चाहूंगी, अभी हम आ पहुंचे हैं आरयूएचएस अस्पताल और यहां पर जैसा कि सभी को पता है कि राजस्थान के जितने पेशेंट्स हैं वो आरयूएचएस में भर्ती हैं, कोरोना संक्रमित जितने भी पेशेंट्स हैं वो सभी यहीं पे भर्ती हैं। और कोरोना ने अपना इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि ना लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो चुकी है और सिलेंडर बेड्स की यहाँ पे जो है अरेंजमेंट करवाया गया है। और अभी मिली जानकारी के अनुसार आपको इतना बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ सभी की सभी आवश्यकताओं का, इवन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जिम्मेदारी उठाई जा रही है। पेशेंट्स का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ साफ सफाई की तो यहाँ पर जो साफ सफाई है उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पेशेंट्स की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ कि कोरोना के स्प्रेड होने का जो मुख्य कारण बताया गया, अभी विशेष बातचीत में डॉक्टर शेखावत से विशेष बातचीत में बताया गया कि कोरोना जो है वो हवा के साथ भी फैल रहा है। तो आम जन को यही संदेश देने का प्रयास है कि आम जन जो है सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का, पूरा दिशा निर्देशों का पूरा जो है अच्छे से पालन करें, तभी इस कोरोना के इस विकराल रूप से, इस समस्या से जो है समाधान पाया जा सकता है, निदान पाया जा सकता है और तभी पूरा देश को बचाया जा सकता है। तो और जैसे कि मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ जो अभी आप देख रही हैं हॉस्पिटल का जो है पूरा नजारा है, यहाँ पर हर जगह जो है हर फ्लोर्स पर जो है बेड्स की व्यवस्था की गई है ताकि जो यहाँ पे जितने भी कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनको भली भांति जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ लेटेस्ट मिली अपडेट के अनुसार डॉक्टर शेखावत ने हमें बताया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की फैसिलिटीज, नर्सों का पूरा योगदान भली भांति दिया जा रहा है और आम जन का, प्रत्येक पेशेंट का बहुत भली भांति रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो आज आवाज न्यूज 24 के माध्यम से हम आम जन को यही संदेश देना चाहेंगे कि आरयूएचएस तो इस, या अगर मैं किसी भी अस्पताल की बात करूं, आज पूरा देश जो है अपना योगदान निभा रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस महामारी से बचने के लिए, ताकि जो इस देश में मृत्यु दर जो है बढ़ ना सके और इस बीमारी को, इस महामारी से अभी काबू पाया जा सके। तो सभी से आज आवाज न्यूज 24 जो है यही दरख्वास्त करना चाहता है, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो ही अपने घर से बाहर निकले और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि हम लोग इस कोरोना की महामारी से जीत सके। ना रुकेगा इंडिया, ना थकेगा इंडिया, इस महामारी से जीत कर रहेगा इंडिया। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज 24। मैं रिजा संदेल, जय हिंद जय भारत। हाँ, शॉर्टेज है काफी, प्राइवेट सेक्टर में मिल नहीं रही ये। सो डॉक्टर शेखावत, वी आर फ्रॉम आवाज न्यूज। सर, अभी जैसा कि कोरोना ने जो सेकंड फेज अभी जो आया है जिसको हम लोग फेस अभी कर रहे हैं, तो एज पर द अभी जो सेकंड फेज है उसका आरयूएचएस का क्या मतलब इंतजाम है इन सबको देखते हुए? सेकंड फेज जो कोविड की आई है जी, जहाँ तक अपने इनिशियल इस साल के मंथ्स की बात करते हैं, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल से, तो टोटल मतलब पिक्चर ही चेंज हो गई है जी। तो काफ़ी कूल स्टेज से हम एकदम पैनिक स्टेज में आ गए हैं। अब हमारा जो बेड स्ट्रेंथ को देखते हुए जो एडमिशन्स हैं वो डेली हमारी अब करीब 200 से ऊपर एडमिट हो रहे हैं और इतना प्रेशर के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आरयूएचएस का प्रेशर को कैसे रिलीज किया जाए, तो उसके लिए जयपुरिया और ESI को डेडिकेट कर दिया गया है और SMS का भी थोड़ा पार्ट अब डेडिकेट करने जा रहे हैं। तो जो एडमिशन कि अगर यही स्पीड रही तो आप सोच सकते हैं कि जिस सीवीटी से कोविड फैल रहा है उसको देखते हुए 150 बेड जयपुरिया के, 300 बेड ESI के, ये भी 15 से 20 दिन में भर जाएंगे। ओके, तो सर अभी अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ आरयूएचएस की, तो आरयूएचएस में कितने बेड्स आप लोगों ने अलॉट कर रखे हैं अभी? अभी टोटल बेड जिनको कि हमने कोविड के लिए डेडिकेट कर रखा है वो 1200 बेड की स्ट्रेंथ है जी, और 1200 बेड में से करीब 950 बेड्स अभी हमारे ऑक्यूपाइड हैं जी। 100 बेड्स पर हम डे केयर के अंदर पेशेंट्स को IV लाइन ऑफ थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं
और बाकी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम ऑक्सीजन थेरेपी से लेके मेडिसिन से लेके वो उपलब्ध करा। ठीक है सर, तो आपने बताया कि आप लोगों ने 1200 बेड अभी अलॉट करे हैं, तो सर अगर मैं बात करूँ अगर जयपुर की जनसंख्या की, तो जयपुर की जनसंख्या सर 30,70,000 है, तो इस 30,70,000 तो अभी जो आपने 1200 बेड अलॉट करे हैं, क्योंकि जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है राजस्थान के मोस्ट ऑफ द केसेस सारे यहीं पे हैं, तो वो ऑल ओवर राजस्थान के, तो जयपुर वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 1200 अगर जयपुर की बात करो तो 30,70,000 तो जयपुर की ही स्ट्रेंथ है, तो जयपुर वासी कहाँ जाएंगे? आपने जिस ढंग से जनसंख्या को बेड के स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन किया है जी, उसके बारे में मैं सिंपल इतना सा कहना चाहता हूँ कि कोविड कोई हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है जी, ये लड़ाई फील्ड की लड़ाई है। बिल्कुल, जितनी फील्ड में नेग्लिजेंसी होगी उतना ही हॉस्पिटल पर प्रेशर आएगा। बिल्कुल सर, तो हम इस चीज़ को मान के चलें कि जिस ढंग से हमारी प्रदेश की जनता ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइन जो राजस्थान सरकार ने जारी की, उनकी जिस ढंग से धज्जियां उड़ाई है उसके लिए जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जनता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम इस बात को एग्री भी करेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे हम डेली न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं और जितनी कोरोना की हमें अपडेट मिल रही है, तो पर डे का जो है 500 केसेस जो हैं कम से कम जो है हमें यहाँ पे जयपुर में देखने को मिल रहे हैं, तो उन केसेस में वहाँ 500 और सर ये 1200 बेड का जो एक अगर मैं डिफरेंस देखूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस ढंग से बेड कम पड़ते नज़र आ रहे हैं उसी स्पीड से राजस्थान सरकार भी अलग अलग हॉस्पिटल्स को, हो सका तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी 30 बेड्स ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं। कोई और एक्वायर करना होगा तो गवर्नमेंट उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक्वायर करके बेड अवेलेबल कराएगी, तो राज्य सरकार किसी स्तर पर बैकफुट पे नहीं है जी। और न ही चिकित्सक ग्रुप जो कि इस महामारी में आगे होके काम कर रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हो, पूरी तरह से डटा हुआ है और इस महामारी के अंदर हर स्तर पर हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार। तो सर जैसा कि मैंने सुना कि आज जो है हॉस्पिटल में जो है सिलेंडर जो है बेड्स लगाए गए थे, तो उनमें आज आप लोगों ने कितने मतलब सिलेंडर बेड्स जो हैं हॉस्पिटल्स में अलॉट करे हैं लोगों को? जब हमारी टोटल जो ऑक्सीजन पॉइंट वाले बेड्स थे वो फुल हो गए जी, तब हमने बेड पर सिलेंडर लगा के भी पेशेंट को ऑक्सीजन पूरे बेड्स के साथ में उपलब्ध कराई है, और बाकी आईसीयू के अंदर वेल इक्विप्ड सारे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा HDU पूरा यूनिट है जिसके अंदर 50 बेड्स जो है ऑलरेडी उसके अंदर ऑक्सीजन की सुविधा है, तो ओवरऑल जहां पर ये देखने को आ रहा है कि 1100 में से 950 पे पेशेंट हैं, तो करीब करीब 90% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जी। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई बार ये भी होता है कि एक बार पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाती है तो मेंटली भी उसको सेटिस्फेक्शन रहता है कि कुछ ना कुछ मेरे को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डॉक्टर शेखावत, एक क्वेश्चन आपसे था कि अभी जो टेस्टिंग वो चल रही है वो रैंडम टेस्टिंग चल रही है या RT-PCR के थ्रू चल रही है? राजस्थान में RT-PCR को ही अप्रूव किया गया था और RT-PCR ही स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि कई बार और अदर स्टेट्स में भी एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें एंटीजन टेस्ट किए गए थे, फिर कई एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव उसके बाद में RT-PCR में नेगेटिव आ गए, तो एंटीजन की इतनी स्पेसिफिटी है नहीं, RT-PCR की स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी दोनों चीज़ एक अच्छा है, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो वो RT-PCR। बट अगर RT-PCR टेस्टिंग की बात की जाए तो ये भी था कि सर सितंबर तक जो है RT-PCR की जब टेस्टिंग हो रही थी तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर कोरोना की संख्या बहुत कम जो है नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही रैपिड की जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई तो ये संख्या बहुत ज़्यादा जो है होने लग गई। अब ये भी कहा जाता है कि सितंबर के जब बाद में जब RT-PCR से कम हुई तो संक्रमण की टेस्टिंग की जो रेट देखी जा रही है वो 4% देखी जा रही है, और अब जो रेट जो हो रही है वो काफ़ी संख्या में हो रही है, और कन्फ्यूजन ये भी पैदा हो रहा है कि डायग्नोसिस जो रैंडम होती है वो एक कन्फ्यूजन का विषय है, जो WHO ने भी इस चीज़ को बताया है और डॉक्टर्स ने भी उनको ये प्रमाणित किया है कि रैंडम जो टेस्टिंग हो रही है वो एक कन्फ्यूजन का विषय है, इसके लिए वो इनका दावा नहीं करता, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? RT-PCR क्या जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर RT-PCR को प्रमुखता ज़्यादा दी जानी चाहिए या रैंडम जो सैम्पलिंग है उसको प्रमुखता ज़्यादा दी चाहिए? RT-PCR क्योंकि शुरू से ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के रूप में अप्रूव्ड है या माना जाता है, दूसरी बात एंटीजन की जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है उसके अंदर कई बार एंटीजन पॉजिटिव होने के बाद भी उसको अगर RT-PCR से दोबारा रिकन्फर्म करते हैं तो RT-PCR पॉजिटिव नहीं आता, इसलिए जो राजस्थान सरकार ने शुरू से ही इस एंटीजन को इस डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने अप्रूव ही नहीं किया, अब केवल हम केवल RT-PCR से करते हैं। अभी जो पैटर्न देखने को ये मिल रहा है कि RT-PCR भी इनिशियल सैंपल्स में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन क्लिनिकल सिनेरियो में CT कराते हैं, उसका क्लिनिकल प्रोफाइल देखते हैं तो टिपिकल पिक्चर कोविड की आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो निमोनिया आ रहा है वो कोविड की वजह से नहीं है या कोविड के कारण
हो सकता है, तो उसको कोविड प्रोटोकॉल से ही पेशेंट को हम ट्रीट करें। सर ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना के जो पेशेंट अभी आ रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी उम्र से ज़्यादा लोगों में ये जो है ज़्यादा लक्षण पाए जा रहे हैं। पिछली लहर के मुकाबले अभी जब बात करते हैं तो एक तो बच्चों के अंदर भी कोविड निमोनिया आ रहा है, साथ में कुछ जो 20 से 40 और 50 साल की एज ग्रुप वाले भी अफेक्टेड हो रहे हैं, जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, वो लोग भी एक नया ग्रुप के रूप में इस सेकेंड लहर में निकल के आए हैं। और बच्चा तो इवन तीन दिन का भी बच्चा अफेक्टेड है, 9 डेज का भी अपने यहाँ एडमिटेड है। तो ये दो चीज़ जो एज ग्रुप है ये थोड़ी सी और अफेक्ट है। हवा से और इत्यादि से भी संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की आशंका है। बिल्कुल, पिछली बार की तरह जैसे मानते थे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से और फॉर्मेट से ये फैलता है, लेकिन इस बार जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न हो चुका है। और इसके लिए ऑलरेडी रिसर्च पब्लिकेशन लैंसेट में अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, उसमें यही चीज़ डॉक्यूमेंट की गई कि अब जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न है। जी, तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब वायरस 10 times मोर स्पीड से फैल रहा है। जी, तो सर मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम लोग जो लेटेस्ट जो अपडेट्स पढ़ रहे हैं कि जयपुर में इतने केसेस निकले या किसी और भी शहर की मैं बात करूं, तो अभी जो केसेस निकल रहे हैं तो उसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल है कि जो जो हमारे सामने जो नंबर ऑफ लोगों को बताया जा रहा है कि वो प्रभावित हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बताता है कि वो संक्रमण में है या वो संक्रमित हो चुके, उससे प्रभाव में या संक्रमण में हो चुके हैं वो। अभी फिलहाल जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक भी है, आज हम पूरे कम्युनिटी का सर्वे करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी काफ़ी लोग एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि रैंडम सैम्पलिंग होती रहे, जिससे जो कम्युनिटी में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो कितना मोबाइल हो रहा है, ये चीज़ भी हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, तभी हम इस फिगर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सर जो संक्रमण का जो आंकड़ा बताया जाता है जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जैसे आज जयपुर में 500 केसेस जो आए हैं, तो वो केसेस वो वाले केसेस जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं या उससे प्रभाव से प्रभावित होने वाले केसेस? नहीं नहीं, वो ऑलरेडी ऐसे केसेस हैं जो क्लियर कट आरटीपीसीआर से पॉजिटिव आ चुके हैं। ओके, वो फिगर होता है आज, जैसे कल का फिगर 10,000 से ऊपर था जी, इसका मतलब 10,000 आरटीपीसीआर टेस्ट से जो पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं सैंपल में वो केसेस वो है। तो सर आरयूएचएस में डॉक्टर्स का, मतलब जैसे कोरोना का इतना विकराल रूप धारण कर रखा है कोरोना ने, तो आरयूएचएस में डॉक्टर्स का स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स के लिए कितना स्ट्रेंथ है? डॉक्टर्स की पूरी स्ट्रेंथ है, जहां हमें लगता है डॉक्टर्स की नीड है वहां हम राज्य सरकार हमें उपलब्ध करा रही है। ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, अभी सफिशियंट अमाउंट में हमारे पास स्टाफ है, और थोड़ी बहुत भी जहाँ हमें लगता है कि नर्सिंग केयर या डॉक्टर्स की तरह से पेशेंट केयर सफर कर रही है, हम राज्य सरकार को एक लेटर के माध्यम से अवगत कराते हैं, वो हमें तुरंत और वो आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। यस सर, ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।